हेलो फ्रेंड्स, एस बी एम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार। आज मैं एपी का 10 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि बोर्ड में पक्का ही लड़ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 10-7-4 डॉट डॉट का तीसवां पद ज्ञात करें। इसका जो है तीसवां पद क्या करे, ज्ञात करे। देखिए, एक होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब प्रथम पद को ए जब सूचित करते हैं तो प्रथम पद इसमें कौन है, पहला पद कौन है, पहला पद है 10, तो लिखेंगे ए बराबर 10। बी कैसे निकालते हैं, तो पीछे वाला पद में से आगे वाला पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 10 में 7 में से अगर 10 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक ना, डी भी निकल गया। तीसवां पद बोला है ज्ञात करने के लिए, लिखेंगे तीसवां पद कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए प्लस 29 डी। ठीक है, ए प्लस 29 डी हो गया। ए का मान कितना है, यहाँ लिखेंगे 10 और प्लस 29 है, तो 29 डी का मान कितना निकाले हैं, माइनस का डी का मान जो है माइनस का 3 निकाले हैं, तो लिखेंगे 10 प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 3 27 आ 3 2 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 87 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, माइनस का 77। इसका जो 10-7-4 का जो तीसवा पद बोल रहा था, ये कितना है, माइनस का 77 निकलेगा। कितना निकलेगा, माइनस का 77। ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन में एक निकाल के देखिएगा, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, तो मानेंगे तो सबसे पहले जो है प्रथम पद कितना है, इसमें प्रथम पद कितना है, 3 है, तो लिख लीजिए प्रथम पद 3। डी का मान कितना है, सर्वंतर, डी को हम सर्वंतर कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं, तो पीछे वाला पद में से आगे पद घटा देते हैं, पीछे वाला पद में से आगे पद क्या करते हैं, घटा देते हैं। 8 में से अगर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। हम मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि एनवा पद कितना है, 78 है। एनवा पद कितना है, 78। तो टीएन का जो फॉर्मूला होता है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही होता है जी, यही फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है, लास्ट पद मान लो कौन सा पद 78 है, तो मान लेंगे ये जो एनवा पद कितना है, 78 है, बराबर ए का मान कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 3 दिया है, प्लस एन का मान हमको निकालना है, माइनस 1 है तो माइनस 1, और डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 दिया गया है। इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 78 को हम क्या करते हैं, रहने देते हैं, 3 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 बराबर यहाँ पर 5n हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा गुना करके। ठीक है, 5 से दोनों में हम क्या किए हैं, गुना किए हैं। 78 में से 3 जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, बराबर दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर दोनों में 5 था तो कॉमन ले लिए, n माइनस नहीं कुछ तो कितना बचा, आप बोलिएगा नहीं कुछ तो 1 बचा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 25 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर एन है तो एन हो जाएगा, इसीलिए 15 ये कितना हो जाएगा, 16 बराबर एन। इसका जो है 16वां पद कितना है, 78 है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। एपी का 31वां पद ज्ञात करें, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद कितना है, 73। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको जो निकालना है वो 31वां पद निकालना है। ठीक है, 31वां पद क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, इसके बराबर क्या हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए जिसका 11वां पद 38 है, मान लो 11वां पद क्या होता है, ए प्लस 10 डी, यही होता है 11वां पद, ए प्लस 10 डी कितना दिया हुआ है, ये 38 दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया है, मतलब ए प्लस 15 डी, यही होता है 16वां पद, ये कितना दिया हुआ है, ये जो है ये 73 दिया हुआ है, ये समीकरण बन गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस क्या करने पर, सेकंड करने पर, फर्स्ट में से सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर, तो जब ये घटाएंगे तो दूसरा वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, ये पहले प्लस था अब हो जाएगा माइनस, ये पहले प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये पहले प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ए और ए कट जाएगा। ठीक है, अगर 15 डी में से 10 डी जाएगा तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5 डी बराबर, 73 में से अगर 38 जाएगा, 13 में से 8 गया 5, ये 6 में से 3 जाएगा यहाँ पर 3, माइनस का कितना हो जाएगा,
35 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस माइनस तो कट गया, अब 5 अगर काटेंगे तो यहाँ पर 5 आते 35 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान जो आ गया वो आ गया 7। लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, डी का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, इससे हमको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम फर्स्ट में रखें तो मेरा फर्स्ट है क्या, आप लोग बोलिएगा ए प्लस 10D बराबर 38। ये समीकरण मेरा क्या है, ये फर्स्ट है। तो ए का मान कितना है, ए का मान हमको निकालना है, ए प्लस 10 आगुने डी का मान कितना हुआ 7। डी का मान देखिए ना 7 हम निकाल लें, तो यहाँ पर 38 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 38। लिखेंगे ए बराबर 38 को यहाँ पर क्या करते हैं, रहने देते हैं, 10 7 70 उस साइड जाएगा तो माइनस का 70। देखिए 38 को हम रहने दिए हैं, ठीक है, और 10 7 70 वैसे आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे ए बराबर 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32। ए का मान भी निकल गया, ए का मान कितना, माइनस 32। हमको क्या निकलना था बताइए, तो चुटकी बजाएंगे निकल जाएगा, ठीक है, 31वां पद निकालना था। ठीक, 31 पद का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस 30D, यही ना होता है जी। चलिए ए का मान कितना निकाले हैं, तो माइनस का 32, ए का मान माइनस का 32 प्लस, ठीक है, 30 है तो 30 यहाँ पर। D का मान कितना है जी, D का मान है 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 32 और प्लस 0 है तो 0 7 या 21, 210 में से 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 178 इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये 178 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल ये जो है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। अगर चाहते हैं आपको, आप लोग चाहते हैं कि सर मैथ का इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए, तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे। ठीक है, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, अभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एपी का 17वां पद ज्ञात करें जिसका दसवें पद से 7 क्या है, अधिक है। एपी का 17वां पद दसवें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर क्या होगा। एपी का 17वां पद मतलब ए प्लस 16D, कोई दिक्कत, ये क्या है, 17वां पद जो है मतलब दसवें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। दसवां पद क्या होता है, ए प्लस 9D, ये होता है दसवां पद, कितना अधिक है दोस्तों, 7 अधिक है। ठीक, कोई दिक्कत, तो क्या कर रहा है निकालने के लिए, सार्व अंतर माने डी निकाले, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब बताइए ए और ए तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 16D है तो लिख लेंगे 16D, अगर 9 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9D, बराबर 7 है तो यहाँ पर 7 कर देंगे, 16D में से 9D जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 7D हो जाएगा। ठीक, 7 है तो 7 कट गया, इसीलिए लिखेंगे डी बराबर नहीं कुछ, तो कितना हो जाएगा, डी का जो आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है मेरा, 7, 13, 19, 205 में कितने पद है दोस्तों। अगर कहेगा कहीं कोई क्वेश्चन में, एपी एक क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कितने पद है, इसका मतलब एन का मान पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछ रहा है उसमें कितने पद है तो एन का मान पूछ रहा है, एन मतलब होता है पदों की संख्या। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रथम पद, ए बराबर कितना दिया है तो 7 दिया है। अब डी का मान निकालेंगे, 13 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिए आप लोग, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें पद कितने हैं, एक चीज देखिए, टी एन अंतिम पद, इसको कहते हैं अंतिम पद, ठीक है, इसको जो कहा जाता है ये कहा जाता है अंतिम पद। ये अंतिम पद कितना है दोस्तों, तो अंतिम पद जो है वो है कितना, 205। ठीक है, अंतिम पद 205 है, चलिए हम निकाल लेते हैं। लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं। टी एन का मान कितना है, लास्ट का वैल्यू कितना है 205, बराबर ए का मान कितना है 7, यहाँ पर 7 प्लस एन का मान हमको निकालना है। ठीक है, डी का मान कितना निकाले हैं आप लोग, डी का मान जो यहाँ पर 6 निकाले हैं। चलिए 205 को आप रहने दीजिए, 7 अगर इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक बराबर हो जाएगा, 6 को एन से गुना करेंगे, 6 एन 6 एकम 6, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत अगर 205 में से 7 घटा दे, 15 में 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक 198 हो जाएगा। अगर 6 इस साइड आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक अब बराबर 6 एन को हम क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक 98 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 204 हो जाएगा, बराबर में 6 एन हो जाएगा। ठीक, इसीलिए एन बराबर लिखेंगे 204 बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कटेगा 6 से काट देते हैं, 6 3 18 2 बचा 6 4 24, लिखेंगे
पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना है, 34 गो पद है। इसमें कितना पद है दोस्तों, 34 गो पद है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है -3, 1/2 का 11वां पद निकालिए। तो बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला पद ए का मान कितना है, माइनस का 3 है, ठीक। डी का मान कैसे निकालेंगे, तो डी का मान होता है a2 और माइनस a1 करके, ठीक है। तो a2 का मान कितना है, माइनस का 1/2 है, और जो है माइनस a1 का मान कितना है, तो माइनस का यहाँ पर कितना है, 3 है। देखिए निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए, ठीक है। इसका कैलकुलेशन बहुत बच्चा जो है इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। जब ये कैलकुलेशन गड़बड़ आएगा तो समझिए पूरा चौपट हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं कुछ बट्टा में 1 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम जो लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, यहाँ पर बट्टा 2, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एपी का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब 14 पदों का योग जो है 1050 दे दिया है, ठीक है। तथा प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा। कुछ है इस सवाल में, कुछ नहीं है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करते हैं, किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग कितना है, 14 पदों का योग कितना है, 10 है। तो इसका मतलब एक चीज हमको पता चल गया, क्या, तो एन का मान 14, एन बराबर होता है पदों की, एन जो है एन होता है पदों की संख्या, एन का मान होता है, एन बराबर होता है पदों की संख्या। तो बोलिए कितना पद है, बोलो तो कितना पद है, 14, ठीक है। एन का मान मेरा 14 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो है योग कितना दिया, एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का, एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 (2a+n-1d), ठीक है। यही होता है 2a n/2 (2a+n-1d), ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज बताए, एस एन मतलब होता है योग, ठीक है। तो एक चीज बताइए, इसका योग कितना दे दिया है, तो आप लोग बोलिए 1050 दिया, कितना, 1050, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है 20वां पद, क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है, इसका हमको मान निकालना है, ठीक। तो 20वां पद के लिए हमको क्या सब चाहिए, आप लोग बोलिएगा, इसका फॉर्मूला था a+19d चाहिए, ठीक है। हमको a का मान भी चाहिए और d का मान भी चाहिए। देखिए हमको क्या मान निकल रहा है यहाँ से, तो 14 पद था ना, तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 14/2 हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं, 2। अब वह a का मान कितना है, देखिए a का मान दे दिया, ठीक है। प्रथम पद 10 है, प्रथम पद कितना है, 10 है, तो गुना में यहाँ पर 10 करना दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर 14 -1, ठीक। और d का मान कितना है, तो d का मान जो हमको दे दिया है, d का मान हमको निकालना है, d तो हमको क्या करना है, यहाँ से d ही हमको निकालना है। तो लिखेंगे 1050 बराबर लिखेंगे 2 × 7 = 14, कोई दिक्कत नहीं, 10 गुना हो जाता है 20, 10 गुना 20 गुने 14 में से 1 गया तो हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 13, और d है तो d, यहाँ पे कितना हो जाएगा d। चलिए अब क्या करें, अब बोलिए आप लोग क्या करें, 7 से ये कट जाता है क्या, 7 से 7 इधर हो जाएगा 3, 7 × 5 = 35, कट तो जाता है, लिखेंगे 7 + 7 = 3, 7 × 5 = 35, 150 बार में कट गया, बराबर लिखेंगे, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, गुना करके आ जाएगा 13 × 2 = 26, अब 0 है तो 0, इतना कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, ठीक। कटने वाला है ये दोनों की, कटेगा ये दोनों, बोलिए ये दोनों कटेगा, बट्टा में आ रहा है ये d का मान जो है, ये बट्टा में आ रहा है। देखिए क्या करते हैं, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। कहीं पर मिस्टेक कर दिए क्या, कहीं तो है, कहीं पर दिक्कत कर दिए हैं, कहीं पर कुछ गलत कर दिए हैं लग रहा है, यहाँ पे प्लस छोड़ दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है प्लस देना ही क्या किए, भूल गए। देखिए एक अगर मैथ पढ़ना है एक चीज गलत, तो पूरा जो है दिमाग गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटे थे 2 × 7 = 14, 7 यहाँ पे काटे थे, ठीक है। तो कितना हो गया था, 7 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, 150 हो गया था, ठीक है। बराबर कितना, 10 × 2 = 20, ठीक। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 14 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 13 का कितना, डी, ठीक, 13 d, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, 14 में से 1 गया तो 13 d को गुना करेंगे तो d। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 150 20 इस साइड आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, 13 का यहाँ पे d हो जाएगा, ठीक। अब बताइए 150 में से अगर
20 चला जाए तो यहाँ पर 130 बचेगा ना, बराबर 13 है तो 13 डी है तो डी, लेकिन 13 से कितना 13 दहाई के साइड होता है, ठीक है 13 दहाई का, तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान जो है यहाँ पर डी का मान 10 आ गया हमको। चलिए हमको क्या निकालना था, बोलिए प्रश्न से हमको क्या निकालना था, आप लोग बोलिएगा सर बीसवां पद निकालना था। चलिए बीसवां पद ए प्लस 19 डी होता है, बीसवां डी का फॉर्मूला, ठीक है बीसवां पद निकालने का फॉर्मूला, ठीक ए का मान कितना निकाले हैं, तो ए का मान जो है 14 दिया, 10 दिया हुआ था, ठीक है प्रथम पद कितना था 10 था, 10 और प्लस 19 और डी का मान भी कितना निकाले हैं आप, डी का मान भी 10 से निकाले हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं, 10 प्लस 190 अब जोड़िए तो हो जाएगा 200, यही इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर, यही मेरा जो है आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ अच्छा लगा होगा, आप बेहतर समझ में आया होगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, धन्यवाद।